भारत विरोधी अपनी ही राजनीति में फंसते जा रहा है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने अब आरोप लगाया है कि भारत उनकी सरकार गिराना चाहता है। ओली के मुताबिक इसके लिए दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। ओली के आरोप ऐसे वक्त सामने आए हैं जब सत्ता पर काबिज गठबंधन में उनके चीन प्रेम की कड़ी आलोचना हो रही है। विरोधियों के ओली पर दो आरोप हैं। पहला, सरकार ने नेपाल की जमीन का बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया और दूसरा कि कोरोना महामारी से निपटने में सरकार नाकाम रही है। नेपाल के प्रमुख अखबार द हिमालय टाइम्स के मुताबिक ओली का गठबंधन में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वो अब आलोचकों को सुनने और शांत करने के बजाय पहले की तरह इंडिया कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुर्सी बचाने की कोशिश है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने कहा कि भारत उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है, क्योंकि उन्होंने लिपुलेख और कालापानी को संविधान संशोधन के जरिए नेपाल के नक्शे में शामिल किया। हालांकि ओली के आरोपों को उनकी ही पार्टी के सांसद रामकुमारी झनकारी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और उन्हें चीन का कट्टर समर्थन माना जाता है। पार्टी के दूसरे धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड उनका कई मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। प्रचंड का कहना है कि ओली को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो अगर पद नहीं छोड़ते हैं तो पार्टी में टूट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज़।